देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोन लेने का मैं आपको कंप्लीट लाइव प्रोसेस इस लोन एप्लीकेशन से दिखाने वाला हूं। इससे पहले इस लोन एप्लीकेशन में हमारा जो सिविल स्कोर है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, वो चेक करेंगे कि हमारा सिविल स्कोर कितना है और कितने सिविल स्कोर पर ये एप्लीकेशन में कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। तो कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दी है और यहाँ पर चेक क्रेडिट स्कोर पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करते हैं तो भाई आप यहाँ पर लाइव प्रोसेस देखेंगे। इस एप्लीकेशन में हमारा जो सिविल स्कोर निकल कर आया है वो मात्र और मात्र 501 का यहाँ पर सिविल स्कोर निकल कर आया है। इसके बावजूद भी एप्लीकेशन में बोल रही है कि इस सिविल स्कोर पर आप मैक्सिमम इस एप्लीकेशन से पूरे 1,00,000 रुपये तक का लोन ऑफर पा सकते हैं, 1,00,000 रुपये तक का लोन ऑफर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़बरदस्त लोन एप्लीकेशन है, काफ़ी कम सिविल स्कोर पर ही ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है। तो भाई बने रहे इस वीडियो में, कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, कितने से कितने रुपए का एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना होगा, एंड भाई लोन वापस लौटने की जो टाइम एंड टेन्योर है ये एप्लीकेशन आपको कितना देगी, ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे तो मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और फिलहाल मैंने एप्लीकेशन को यहां पर छिपाया हुआ है, एप्लीकेशन को यहां पर ब्लर किया हुआ है, क्योंकि भाई एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, इसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ताकि आपका लोन डिसअप्रूव ना हो, आपका लोन सक्सेसफुल यहां पर अप्रूव हो जाए। अदरवाइज एप्लीकेशन का नाम तो वीडियो के बीच में, फिर अंत में मैं आपको कंफर्म बता ही दूंगा। यहां पर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन की अगर आप रेटिंग देखते हैं तो 4.1 की एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई है। भाई 4.1 की रेटिंग एप्लीकेशन की एक अच्छी रेटिंग है, आपको लोन तुरंत ही एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा देगी। इसके अलावा मैं डाउनलोडिंग की बात करूं तो एप्लीकेशन दोस्तों आपको काफी नई एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। फिलहाल एप्लीकेशन के 1,00,000 डाउनलोड हुए हैं, तो भाई डाउनलोडिंग काफी कम है तो एप्लीकेशन नई है, तो लोन डिस्पर्सल करने के मामले में भी आपको एप्लीकेशन अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहां पर ऊपर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं एप्लीकेशन कितने से कितने का लोन दे सकती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। अदरवाइज तो ये सारी चीज हम यहां पर लाइव लोन अप्लाई करके ही देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन को हम यहां पर लाइव डाउनलोड करके ओपन करके लोन अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो भाई साहब, आप यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करके यहां पर इंस्टॉल कर लिया है। सभी चीजों को हम यहां पर परमिशन देंगे, अलाउ अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई हमारे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हम यहां पर फिल कर देंगे। तो ध्यान है, हमारे आधार और पैन कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सभी परमिशंस को अलाउ करके गेट ओटीपी पर क्लिक करके हमारे मोबाइल नंबर को ओटीपी यहां पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर देंगे। अब भाई आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर ऑप्शन सुनने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, या फिर भाई आप कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर तीनों ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल रहा होगा, स्टूडेंट, सैलरी पर्सन एंड बिजनेसमैन। तो भाई आप जो भी है उसी पर आपको क्लिक करना है। बेसिकली मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर देने होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और ऊपर में भी आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहां पर ऊपर में फिल कर देंगे एंड आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भाई इस कैलेंडर के माध्यम से आप यहां पर सेट कर लेंगे। पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेट करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपको जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम भाई आप यहां पर फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे एंड आपके फादर्स का नेम है वो फादर्स का नेम डालेंगे, आप अपना जेंडर चुनेंगे एंड आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे एंड आपको जो भी कोई एक्स्ट्रा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सारी डिटेल मैं यहाँ पर फिल करूंगा एंड नीचे चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करूंगा। सारी डिटेल फिल करके जैसे मैं चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करूंगा तो मेरा सिविल स्कोर यहाँ पर निकल कर आएगा। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर लाइव देख सकते हैं मेरी डिटेल्स के आधार पर इस एप्लीकेशन में मेरा जो सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर है वो 501 का यहाँ पर निकल कर आ चुका है और इसी के साथ में 501 के सिविल स्कोर पर भी एप्लीकेशन मुझे पूरे 1,00,000 रुपये का लोन ऑफर कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 1,00,000 रुपये अभी हमारा फाइनल लोन ऑफर ये नहीं है, हमें कुछ और डिटेल्स यहां पर देनी होगी, इसी के बाद में हमारा फाइनल लोन ऑफर निकलेगा कि एप्लीकेशन में कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है। हमें यहां पर फिलहाल बताया गया है कि भाई आप 1,00,000 रुपए तक का लोन पाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हो गए हैं, आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएगा। अभी हम और डिटेल यहां पर फिल करेंगे और देखेंगे कि भाई फाइनल हमें लोन ऑफर कितने रुपए का एप्लीकेशन दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, नीचे हम यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड आगे का प्रोसेस देखेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हुए आप यहां पर देखिए कि वाओ, 1,00,000 रुपए भाई, आप यहां पर 1,00,000 रुपए का लोन पाने के लिए एलिजिबल है। तो हम यहां पर विड्रॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। विड्रॉल नाउ के बटन पर क्लिक करते भी आपका जो सैलरी अकाउंट है वो अकाउंट की डिटेल भाई आप यहां पर देने होंगे। तो आईएफएससी कोड आप यहां पर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, री अकाउंट नंबर डालेंगे एंड ब्रांच नेम डालेंगे। तो आपकी जो बैंक की डिटेल है वो बैंक की डिटेल आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो बैंक डिटेल यहां पर फिल करके जैसे आप यहां पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आगे की जो प्रोसेस आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं फ्रॉम आरबीआई लाइसेंस एग्रीमेंट्स। अब आपको भाई आपको अपना एक एग्रीमेंट यहां पर साइन करना होगा, तो आपको एग्रीमेंट के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर एग्रीमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एग्रीमेंट बनकर आ जाता है। ओटीपी के थ्रू से एग्रीमेंट
को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को भाई आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी के थ्रू आपका जो लोन एग्रीमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल भाई वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो भाई आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और आपका बैंक भी यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है। तो भाई सब कुछ अगर सही होता है तो नीचे अप्रूव के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अप्रूव के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे लिए दोस्तों फाइनल यहाँ पर लोन ऑफर निकाला जाएगा कि हमारी बैंक डिटेल के आधार पर हमारी बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ये एप्लीकेशन में कितने रुपए का लोन ऑफर भाई यहाँ पर कर सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंस एड्रेस हमें सबसे पहले यहाँ पर फिल करना होगा, इसी के बाद में लोन ऑफर दिया जाएगा। तो हमारे आधार के थ्रू हमारा जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर फैच कर लिया गया है आधार पैन कार्ड के थ्रू। तो हमारे एड्रेस को एक बार हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड फिर से नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हमारे लिए जो लोन ऑफर निकलेगा वो यहाँ पर अनलॉक हो चुका है एंड फाइनल हमारी बैंक वेरिफिकेशन के आधार पर ये एप्लीकेशन मुझे 2000 रुपये का यहाँ पर लोन ऑफर कर रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर 2000 रुपये का हम यहाँ पर लोन ऑफर कर चुकी है। हमारा जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी कम है, इसी की वजह से हमें यहाँ पर 2000 रुपये का लोन ऑफर दिया गया है। मैं बता दूँ दोस्तों आपको शुरू में ये एप्लीकेशन कम ही अमाउंट का लोन देगी, इसके बाद में कम अमाउंट का रिपेमेंट अगर आप टाइम पर कर देते हैं तो आपको एक बिग अमाउंट का लोन देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों ये एप्लीकेशन मुझे 2000 रुपये का लोन ऑफर करी है तो आपको भी यहाँ पर 2000 रुपये का करेगी। आपको भाई 1000 रुपये का भी लोन ऑफर कर सकती है या फिर भाई मुझसे ज़्यादा 5-10-20 हज़ार रुपये का भी एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों इस सारी डिटेल को हम यहाँ पर एक बार वेरीफाई करेंगे एंड नीचे आपको विड्रॉल नाउ के बटन पर ही क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर विड्रॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो लोन का पैसा है भाई हमने जो बैंक डिटेल दी है उस बैंक में सक्सेसफुल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर विड्रॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सिंपली अब दोस्तों आप यहाँ पर सकते हैं समा करें हम इस तरह की सेवा नहीं कर सकते, यानी कि दोस्तों इस एप्लीकेशन की जो सर्विस है हमारी पिन कोड हमारी एरिया में अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हमारा जो लोन है भाई यहाँ पर डिस अप्रूव हो चुका है। यानी कि मैंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे दी थी लेकिन हमारी जो इस एरिया पर इस पिन कोड पर इस एप्लीकेशन की सर्विस है फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हमारा जो लोन है भाई यहाँ पर डिस अप्रूव हो चुका है। अदरवाइज लोन अप्लाई करने का मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखा दिया था। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की जो सर्विस है कौन कौन से एरिया में अवेलेबल है, कौन कौन से स्टेट कौन कौन से में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम वापस से यहां पर प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और सिंपली हम यहां पर अबाउट सेक्शन पर ही क्लिक करेंगे। अबाउट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भाई आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ स्टेट के नाम आपको यहां पर शो हो रहे होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं भाई आप इन स्टेट से इन जिलों से अगर बिलोंग करते हैं तो भाई आप बेशक इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप यहां पर देख सकते हैं अगर साउथ की तरफ से भाई आप इन जिलों इन स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आप बेशक इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भाई अगर वेस्ट की तरफ से अगर आप इन सिटीज से बिलोंग करते हैं तो आप बेसक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्थ की तरफ से भाई अगर आप इन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप बेसक इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ में अगर आप ईस्ट से इन सिटीज से बिलोंग करते हैं तो आप बेसक इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके आप इन सिटीज का नाम एक बार देख सकते हैं, अगर इन सिटीज से आप बिलोंग करते हैं तो इस एप्लीकेशन आपको बेसक काफी इजी प्रोसेस के साथ में लोन दे देगी। तो फाइनल दोस्तों अब यहां पर मैं एप्लीकेशन का नाम रिवील कर देता हूं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो आप प्ले स्टोर पर देखेंगे टाइप करेंगे जैप मनी पर्सनल लोन ऐप तो कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है जो सिटीज मैंने आपको बताया है उन सिटीज से अगर आप बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी और काफी ट्रस्टेड ये लोन एप्लीकेशन है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कोई कंफ्यूजन या सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।